पिछलियां कई बैठकां गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव गुरपुरब गुरु नानक देव जी का उन्होंने नरोल शब्दा राही मनाई आ रहे हैं। गुरु नानक का नाम ही पढ़ोगे तुसी जिन्ने महल्लियां दे गुरु ग्रंथ साहब च उत्ते महला पहले चलणगे गुरु का नाम नहीं होएगा। महल्ले पहले दा अज असी शब्द लै रहे हाँ और पिछली चौंकी च इहदा काफ़ी ज्ञान लै चुके हाँ। अज सिर्फ इन्नी शुरू तो असी ये थोड़ा जा प्रीफेस फॉरवर्ड थोड़े जे लफ्ज़ जरूर कही दे संगत नूं कि गुरु की देह जो हुंदी है वह ब्यासी ते काट नहीं करती। जे ब्यासी का जीवन बदलेगा तो गुरु के अंदर जड़ा ज्ञान हुंदा है उन्हों फड़ के उदा जीवन बदलेगा। गुरु की देह साढ़े अर्गी सी सारे गुरु साढ़े अंगों ही उन्होंने माँ के पेट चों जन्म लिया उतों बाद संस्कार होया सारिया का वो उन्हों की देह नहीं साढ़े लिए एडी इस करके सारे ज्ञान च श्री गुरु ग्रंथ साहब च देह भजी पई है देह अभ्यास खत्म है। गुरु नानक दी देह की सी जो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी लिखते ज्ञान गुरु आत्म उपदेसो नाम भभूत लगाओ। देह जो जिन्हों गद्दी है वो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने ज्ञान नूं दित्ती है ज्ञान गुरु है। ज्ञान
खुला नहीं छा खुला ज्ञान जे ये अखर ना होंदे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे शब्द ज्ञान साढ़े तक जो गुरुआं नू अकाल पुरख का ज्ञान आउंदा सी गुरु भगतां नू जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसर करी ज्ञान वे लालो ये ज्ञान साढ़े तक पहुँचना नहीं सी अखर ही ऐसी चीज़ है जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सारे शब्दां दे अखर है अगर वो ना आउंदे ते जप बाणी दी उह तुक सानू समझ नहीं सी आउणी जिहड़े रोज़ पाठ करदे प्यार शरदा नाल वो है अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखर ऐसी चीज़ है भी जे ना हो ज्ञान नहीं समझ आ सकता अखरां च बंद है जिदा फुल च खुशबू रिजर्व है अगर फुल दी शक्ल बाहर ना हुंदी हवा च उड़ जानी सी सारी खुशबू दी फुल उहनू रिजर्व करके रखता है इस तरह अखरां च बंद है सारा ज्ञान और नाम भी अखरां च है जिहड़ा विच दसे आ और जिहड़े गीत गा रहे हैं सारिया जिन्ना महाराज का स्वरूप है दे अंदर इन्ने गीत छंद सब कुछ अखरां च है अखर गुरु नहीं है साडे नेरे चौर गुरु नहीं है रुमाले गुरु नहीं है पीड़ा साहब गुरु नहीं है इहदा विचला जिहड़ा अखरां दा ज्ञान है वह गुरु है अखरां नूं हथ ला के अखां नूं ला देने पत्रे वो गुरु नहीं मन रहे तुसी गुरु दे जो अखर है उहदा अदब असीं करना है लेकिन अदब की आड़ च बुत प्रस्ती नहीं करनी अदब एक ऐसी चीज़ है जिहदे नाल बंदा गां ज्ञान क्योंकि अभ्यासी की रिसीपीएंसी फड़न ज्ञान नूं को आसान नहीं है जिन्नी चिकर असीं इहदा अदब नहीं करांगे साडे हथ च ज्ञान नहीं आएगा पर अदब अन्नी शरदा के अग्ञानता साढ़े सिखां च अन्नी शरदा है मैं कहना रुक नहीं सकता करोड़ों रुपया पालकियां ते लग रहा सिख कौम नूं कोई फायदा नहीं उन्हां दा असीं थोड़ा जिहा कौम नूं हलूणा दे रहे हैं प्यार सत्कार कर रहे हो तुसीं सारी दुनिया नालों अगे है तुहाडा प्यार पर संभलो कुछ जिहड़ा ज्ञान है असल विचों फड़ना है महाराज ने सारे ज्ञान गीत गाउण नूं दित्ते है लेकिन यह है भी गुरुआं दी देह गुरु नहीं हुंदी उहदा विचला ज्ञान गुरु हुंदा है इस करके महल्लिया ना उत्ते अपने नाँ नहीं लिखे महला पहला दूजा तीजा चौथा सारे महल्ले चलणगे ताकि किसी की बिरती धन गुरु नानक वल ना चले जाए बिरती किहदे च रखनी है बिरती अकाल उस्त जिदा दसम पातशाह ने लिखी है सीधा ध्यान असी अकाल च रखना है अकाल पुरख च रखना है वो पावर च रखना है रब नाल सारे शब्द जोड़ते हैं इस करके जे अखरे ना होंदे साइंस की है साइंस की एक छोटी जी डेफिनेशन बनाई है द सम टोटल ऑफ ह्यूमन नॉलेज सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड इज कॉल्ड साइंस थियोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक बायोलॉजी किन्निया साइंस दे गां पाठ किए उन्हों सिस्टेमेटिकली अरेंज किया इस तरह साड़ी बाणी छंदा वारा शब्दों से अरेंज की है अगर अखर ना होंदे तो ना दुनिया की साइंस साढ़े तक पहुँच सकती सी इस करके अखर इस करके असं जड़ा भी शब्द पढ़ रहे हैं संगत के हाथ च दिने हैं वो गुरु की देह है वह शब्द उस हिसाब के नाल जिहड़ी साइंस है सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड है साडा भी यह ज्ञान अरेंज्ड है इस करके वो थियोलॉजी पता नहीं किन्नीओलॉजी है साड़ी गुरुओलॉजी है वो फिजिकल साइंस है फिजिकल मैटर का ज्ञान है साढ़े को स्पिरिट का ज्ञान है स्पिरिचुअल है एडा उच्चा और हिसाब के नाल ज्ञान की देह की है आज दे अखर है पर अखर भी अखर नहीं है भी असी महाराज का प्रकाश करके बस अखरां दे दर्शन कर ले ते गुरु दे दर्शन नहीं
असी ये बुत प्रस्त ही नहीं करनी, असी जो ज्ञान विच लिखिया है उहदे अखरां दा ज्ञान साडा गुरु है। इसे करके महले पहले दा गुरपुरब असी उहनां दे निरोल शब्दां नाल मना रहे हाँ कि गुरु दे नहीं हुंदी, गुरु ज्ञान हुंदा। और महले पहले दे उच हद्दी वैण है, इन्हां नूं समझना को आसान नहीं है। अगले गुरुआं भगतां ने जां सारिआं ने जो ज्ञान कीता गुरु ग्रंथ साहिब च, पहला महला पहला चलूगा। बाकी गुरुआं नूं शौक नहीं सी भी गुरु नानक दे उत्तों दी ज्ञान करिए। एक थम रूल है समझ आ, सारी बाणी कड़ियां नूं खुल जाऊगी, बाकी सारी बाणी आई तदे है भी गुरु नानक दे उच हद्दी वैण है, समझ नहीं आने। उन्होंने खोलन लई ही सारे गुरुआं भगतां ने जोर लाया। इस करके असी आ पहला शब्द लई आ रहे हाँ भी वो रंगे का की रंगना है, रंगे का गां रत्ते दी स्टेज तक जाना है। रंगे का क्या रंगिए, जो रत्ते रंग लाए जी, वो रंग नीवी स्टेज है, इतों बाद रंग चाड़ चाड़ के होर नाम जप के रत्ते दी स्टेज आनी, जिहड़ी लिखी है रत्ते से ही जे मुख ना मुड़न, जिन्हां संजाता साई झड़ झड़ पाउंदे कच्चे विरही जिन्हां कारण आई। इस करके रंगे तों बाद रत्ते दी उतली स्टेज है, उत्थे तक गुरु बाबा नानक ले जाएगा। शब्द असी है सूही महला पहला और घर नौवां। जिथे घर आ जाए वो तपले की ताल हुंदी है, जिथे शब्द च घर आ जाए वो साडे जिसम वल इशारा है। दो लफ्ज़ ध्यान ना समझो, जे उतले हैडिंग च आ गया घर नौवां, 16 घरां तक भी जाती है बाणी है। वो है तपले की ताल, उस घर च वजेगा तो गांह सारा, जे बॉडी च घर आ जाए वो साडा जिसम है, सब कुछ सानू अंदर मिलना है। इस करके घरां दा भुलेखा नहीं खाना, जिथे घर उत्ते आ जाए तपली दी ताल है, जड़ा अंदर शब्द दे आ जाए वो साड़ी बॉडी वाल इशारा होगा। इस करके गुरु महाराज दी असी रहाओ दी तुक सूही महला पहला घर नौवां पन्ना है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 751 और असी 3 नंबर शब्द लै रहे हाँ। ए रंगे का क्या रंगी है, क्या रंगी है, जो रत्ते रंग लाए जियो। रंगे का की रंगना, तो रंग अगे चढ़िया हुंदा व्यासी नूं, तू रत्ते तक जाना है तां उच हद्दी वैण है। रंगे का क्या रंगी है, ठहर जो गुरु नानक ना नहीं रंगना, वो तो शब्द दे रहे अपना, आप ही कहूगा भी मैं ही रंग दिना, होमे च होजू बाणी। रंगण वाला अकाल पुरख है जिन्हें गुरु नानक रंगिया और गां रत्ते आ गया। इस करके रंगण वाला जड़ा है सिर्फ अकाल पुरख है। रंगे का क्या रंगी है, जो रत्ते रंग ला तुक है। रहाओ है जिदा पहीए का एक्सल हुंदा है, पहीआ सारा एक्सल दे दुआले पाउंदा, इस तरह सारा शब्द रहाओ दे दुआले पाउंदा है। रहाओ गुरुआं नूं पहला आउंदा सी, लै फड़ भाई जिदा समरी का हैडिंग लाई दा किसी चीज़ का, इस दे दुआले फिर शब्द आया। और जो शब्द आउंदा सी वह बड़ा गरीबी च गुरु ना सारक ना फड़िया साडा, इन्हां दे शब्द है गुरु भगतां दे अत गरीबी है उन्हां च। और वो महला उत्ते आप नहीं सी लिखदे,
अज असी वो चीज़ खोल रहे हाँ, इन्नी गरीबी जबानी आई है, वो महला लिख नहीं सकते भी मैं महला पहला हाँ। वो खां खाली छड़दे सी, सिर्फ लिखिया हुंदा सी सूही कारनामा, महला पहला अगला गुरु पाउंदा सी। जदों गुरु अंगद साहब कोल पोथी आई उन्हें महले पहला उत्ते लिखिया, अपना थां खाली छड़ जांदे सी। वो फिर महला पहले दे उत्ते सारे उन्होंने पोथी आई, उन्होंने महला पहला लिख दिता। गां अगले कोल पोथी गई लैणे गुरु अंगद साहब दी, गुरु अमरदास साहब कोल लैणे ने अपने श्लोकों के उत्ते महला नहीं लिखिया, अगला गुरु महला लिखता। वो किस तरह सानू बाणी की एडी खोज हो रही है, असी कम उठते हैं भी देखो इतने जना खना चंगे है नाम जपन वाले सारे, पर सिखी गरीबी सिखाली है, सिखी की जड़ गरीबी है। गुरु अर्जन देव जी का शब्द आता है महले पंजे का, सेवा थोड़ी मांगण बहुता, महल ना पाए कहत बहुता। भी हली महल पाया नहीं अंदर और कहना मैं पहुंच गया, फिर सेवा थोड़ी नाम जपन वाली, सेवा थोड़ी मांगण बहुता, भी मैं पहुंच जावा रब तक, सेवा थोड़ी मांगण बहुता। महला पंजवा लिख रहा अपना उत्ते, महला पंजवा नहीं लिख सकता अगले गुरु ने लिखा, क्योंकि आप तो कहना मैं महल नहीं पाया हली। सेवा थोड़ी मांगण बहुता, महल न पाए कहत बहुता, भी मैं पहुंच गया है, ये है की है। अगे महाराज तक देंदे मैं की है, कूड़े मूर्ख की हठीसा, जो प्रिया राती तिन की रीसा। मैं तो इन्हों दी रीस कर रहा, जो प्रिया राती तिन की रीसा, ये मेरे कूड़े मूर्ख की हठीसा रहाओ। मैं महला पा ही नहीं सकता कोई गुरु, अगला गुरु पाउंदा सी। फिर वो फिर बिच बेनती करते भी मैं कौन है गुरु अर्जन पातशाह, कहिंदा कहो नानक प्रभिनो सुनीजे, कुचल कठोर कामी मुक्त कीजे। कभी सिखी दे बिच कोई संत खा बाबा बड़े ज भाग चंगे ने साढ़े नाल सारे चंगे नाम जपन वाले, पर गरीबी नहीं है, ईगो नहीं मरी, हौमे नहीं मरी, इस करके महाराज लिखते कुचल कठोर कामी है मैं, मैनू मुक्त कीजे, मेरी सेवा थोड़ी है, मैं नहीं पाया, इस करके अंदर सारे दे सिख हो के बाणी आई उन्होंने, गुरु बन के बाणी नहीं उन्होंने अकाल पुरख ना भेजी उन्होंने। इस करके कोई पता नहीं सी लगता संघ च कड़ा गद्दी ते बैठ जाता सी। एक ही है भगते ऐसे सी गुरु काल वेले, मत हुंदी होए आना तान, हुंदे होए नताना अणहोंदा आप वंडाए, कोई ऐसा भगत सदाए। इस करके ऐसे गुरुआं दी महला पहला तो बिल्कुल ही नीच बन रहा। जप दा रोज़ पाठ करदे हो तुसी, उहदे च आउंदा नानक नीच विचार, बाकी था नानक छाप है जोत है। इक्को थाई नानक दे कक्के नूं औंकड़, नीच दे चिचे नूं औंकड़, भी मैं है इन्नी नीच बनते सी तां काल पुरख उन्होंने ज्ञान भेजता सी। इस करके आ जड़ा है भी रंगे का क्या रंगीए, जो रत्ते रंग लाए जीओ, मैं नहीं है ना मैं रंगण वाला है, इसे शब्द चो असी कढ रहे हैं, वो है काल पुरख रंगे का क्या रंगीए, वो होर मेहनत करे नाम अभ्यास ते होर गरीब होवे। साडा इहदा लावद है आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते साडी ग्रेडिंग उल्टी चलती है बाणी। जिहड़ा पहले ही संत बाबा बन गया जो सारा चंगे है, असी आदर सारिआं दा करना, पर मेरा कुछ नहीं हुंदा, सब लिफाफेबाजी हुंदी है। लेकिन सानू हुक्म है असी सारिआं दी इज्जत करनी, सब दा प्यार लैणा, लेकिन बाणी नहीं ये कहती। बाणी कहती आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा। इस करके महाराज कहते भी मैं नहीं रंगण वाला, मैनू रंग जिन्हें चाढ़िया
और मैं ओदी रहाओ दी तुक दे रहा हाँ। रंगे काचा रंगीए है जो रते रंग लाए जियो। भाभी तुम ही रंगल वाले नु सेवा कर लिया, पर सेवा साड़ी देह दी सेवा नहीं है। सारी बाणी च देह भज्जी पई है। साड़ी देहा काल पुरख दी सारी नाम हमारा है गुर की सेव, नाम हमारा है पूजा देव, सब कुछ परमेश्वर का नाम असी जपते हैं, उन्हें सब कुछ कर देना। इस करके रंगे का क्या सेवी रंगी है जो रत्ते रंग लाए जी। अंगे नू फिर से औंकड़ आ गया है, सब देखो वो रंग है अंदरला स्पिरिचुअल रंग लाए जी। वो पर रंगण वाले की सेवा कर तू, वो अकाल पुरख है ते उहदी सेवा किदां करनी, नाम जपना पर चित ला के जपना। अगे कंडीशन पा गए दसम, एवें नहीं नाम जपना नाल चित ला के जपना। तू सच्चे सो चित लाए जियो रंग और गुरु नानक कहिंदा नाम किदां जपना है, सच्चे नूं चित किदां लाउणा है। गुरु बाबा नानक ही शब्द दिंदा है, भाई रे राम कहो चित लाए, भाई रे राम कहो चित लाए रंगण। आई हुण जो असी बाणी राही साफ किया है कि सिखी की जड़ गरीबी है। आ टोला आ गया सामने जो गुरु नानक आप देख रहा सी, चिट्टे जिनके कपड़े, चिट्टे जिनके कपड़े, चिट्टे जिनके कपड़े, मैल चित कठोर जियो, हे चिट्टे दिल के कपड़े, मैल चित कठोर जियो, तीन मुखे नाम ना उपजै, हे तीन मुखे नाम ना उपजै, तीन मुखे नाम ना उपजै, दूजे व्यापे चोर जियो, भेड़ा में सब चोर, भेड़ा में सब चोर, भेड़ा में सब चोर, भेड़ा में सब चोर, चिट्टे जिनके कपड़े। कभी ख्याल कर सकते हो भी जिहड़ा लिखारी है शब्द का गुरु नानक ने एहो जिहा भेस किया, जिदा चिट्टियां कपड़िया वाले मार सारे भेस बना के इन्ने तुरे फिरते ने, और सारे गृहस्थी उन्हां दी मुठ्ठी च, उन्हां नूं ज्ञान नहीं है भी साडा गुरु नानक ही कह रहा। गुरु नानक ने कोई चिट्टे कपड़े नहीं पाए, कोई उदासी कपड़े नहीं पाए, असी हुणे बाणी राहीं साबत करांगे। और गुरु नानक ही कहिंदा भी मैं कोई उदासी भेख नहीं किया, मैं पीड़ा कपड़ा नहीं पाया, भगवान कपड़ा नहीं पाया, क्योंकि बाणी संगतां तक पहुंची नहीं है। और सारियां फोटो जिन्हां गुरु नानक दियां बनाई जांदियां उदासियां आ वो भेख बना के, उदासियां वाला भेख की है। बड़े बड़े इंटलैक्चुअल दुनिया के लोग, अंग्रेज़ लोग जो स्टडी कर रहे साडे रिलीजन नूं, कहिंदे तुहाडा रिलीजन को वक्खरा थोड़ा, अजिया क्यों
ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਫ ਸ਼ੂਟ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਲਾਂ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਫਲਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਭੇਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬਣੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਸੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਜਾਓ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹਿਰੀ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ, ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਂ ਸੰਗਤ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤ ਕਲੱਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗਤਵਾਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਲੱਤਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਤ ਪਾਉਂ। ਪੁੱਤ ਕਲੱਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗੱਤ ਪਾਈ, ਕਿਉਂ ਸਿਮਰੀ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਜਨਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਹਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਦਾਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਕੁਟੰਬ ਮੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਕੁਟੰਬ ਮੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖੇ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖੇ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਿਆਪੇ ਚੋਰੀਓ, ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੇ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਟਾਗਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੋਲਾ ਦਾਰਾ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਬੁੱਝੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਵਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ।
फिर है खेती, लोग कबीर लोगन को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास वीरानी राखते खाया घर का खेत। दूसरिया की पैली बल्ली वगी भी नहीं, ना च कुछ बीजिया, और रखने तो अपने खेत उजाड़ लिया अंदर आ नाम जपन। अवर लोग कबीर लोगन को उपदेश ते मुख में पर है रेत, जिदा मूँह च रेत का स्वाद आ जाए कुछ कि ऐदा ये कम है दुनिया नू। पहला बाबा नानक कहता साडा शब्द कहता, जो आप जपै जो आप जपै आप जपो। ये नहीं असी उपदेश नहीं करना, सारे चंगे हो तुसी, लेकिन लाइन ते नहीं है। इस करके महाराज भेख इत्थे कट रहे अपने शब्द, कदी हो नहीं सकदा भी साढ़े किसी गुरु ने भेख बनाया हो। ये आप असी फोटोआं गलत बना के ते घरां च लाई फिरदे हैं। साडा ध्यान शब्द वाल जाओ, दे थीसिस वाल जाओ, इन्नियां डूंघियां। ये ऐसी कौम, हर एक नू एक एक पैगंबर आया, एक एक मौलिया आया, एक मधो दा पैरो वड्डा सारा, एस लेटेस्ट दी ग्रेटेस्ट रिलीजन नू दस लागे बनाउणे। और इसे करके आया भी कलयुग दा नंगा नाच हो रहा है, सारे अपने आप नू कई कोल, लेकिन बाणी तो उल्टा है। असी सतगुर दी बाणी दे सिख बणीए, रहतनामिया च प्यार च गुरु में संसार सब कुछ हो जाता है, सब नू जरिए। लेकिन आप लाइन तो ना खुड़िए, साढ़े पल्ले कख नहीं, जन्म व्यर्थ जाएगा नाम तू बगैर। इस करके महाराज कह रहे ने, भेख दिखाए जगत को लोगन को बसकीन, अवर नू उपदेशे आप न करे। जन नानक धूड़ मंगे तेस संत दी नहीं, तेस गुरसिख की, जो आप जपे अवरा नाम जपावै। इस करके जड़ी चीज है वो है मूल ना बूझे आपना, हे मूल ना बूझे आपना, से पशुआ से ठोर। होर जियो, होर की कह दू महाराज, किना ने लाई है चिट्टे जिनके कपड़े, हे चिट्टे जिनके कपड़े, हे मैले चित कठोर जियो। आओ गुरु बाबे नानक दे शब्दां को पुछिए, हे गुरु साहब, हे गुरु बाबा जगत गुरुदेव जियो, तेरा की पेख सी, तू किदां दा सी? अपना शब्द उन्हां दा देण लगे हैं जिहड़ा घर च लटकाउणा चाहीदा, भी उन्हां दा गुरु नानक दा की पेख सी। अपनी फोटो आप लफ्जां दे बुरश मार मार बना रहे ने, दो लाइनां दांगे सिर्फ। बाबे नानक दी फोटो जिहड़ी सोभा से ना मार, और फिर साडे सिख भी ऐसे है श्रोमणी कमेटी उहदे प्राइज रखदे मार फोटो बिक्री, भाई बाबा इदा का नहीं सी, आ शब्दां लगे जोड़ा हो चुका वह मिल गए। तो गुरु नानक के शब्दों का नाल जो उन्होंने अपनी फोटो दसी है वो कढ़िए। ना मैला ना धुंदला, ना मेरा मन मैला है ना धुंधला, धुंधला जिस थोड़ा जहा शीशा, जिदा असी बाथरूम च थोड़ी जी लो आ जाए पर बंदा रही कहता, मेरा मन ना मैला है ना धुंधला है, साफ है। ना मैला ना धुंधला, जुबानी याद करनी गुरु नानक दी लाइन है, ना मैला ना धुंधला। ना को मैं भगवा भेस किया पीले कपड़े पाए, ना भगवा ना काचे, ना मैला ना धुंधला, ना भगवा ना काचे। कोई फोटो मैनू
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਭਗਵਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਖਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕਾ